हर सिक्के के तीन बाजू होते हैं, मगर हम एक ही बाजू समझ लेते हैं और प्रॉब्लम करते हैं। उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। रामायण में शूर्पणखा का रोल और शूर्पणखा ने रावण के पास में जाके क्या बोला, ये आपको सबको मालूम है। शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी राम ने, और शूर्पणखा रावण के पास में बोलने रोते रोते गई कि नाक कटवा दिया है। रावण ने बोला ऐसा नाक कटवा दिया, ठीक है मैं देख लेता हूँ। होता क्या है कि हम मतलब रावण ने एक ही बाजू समझ लिया कि भाई शूर्पणखा की नाक राम ने काट दिया। चलो अभी मैं उसको बताता हूँ, और भाई हम डिटेल में जाना चाहिए ना हुआ क्या, मगर ज़्यादातर लोग डिटेल में जाते नहीं हैं। सबसे पहले रावण ने तो ये पूछना चाहिए कि भाई तू वहाँ उनको क्यों मिलने गई थी राम को, वो क्या कारण था, तू गई क्यों वहाँ, नंबर एक। नंबर दो, चलो भाई एक्चुअली हुआ क्या, तूने क्या बोला, तूने क्या किया कि उन्होंने काट दिया भाई नाक। तीसरा, ठीक है मैं एक्चुअली वेरीफाई करता हूँ कि राम ने काटा कि और किसने काटा। मतलब हम जब उसमें डिटेल में जाएंगे तो हमको समझ में आएगा। एक सिक्का मैं ऊपर फेंकता हूँ तो एक तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, दो नहीं तो खड़ा भी रह सकता है, तीसरी बाजू भी हो सकती है। तो एक बाजू है कि भाई हुआ क्या, तो एक बाजू समझ लो। दूसरी बाजू क्या हुआ वो समझ लो। तीसरी बाजू एक्चुअली क्या हुआ, सत्य क्या है वो समझना पड़ेगा। तो हम इतना डिटेल में जाते नहीं है और हम फिर हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमियाँ करके बैठते हैं। ये अक्सर हमारे रिलेशनशिप में होता है। पत्नी आपकी आती है आपके पास में, मुझे सासू माँ ने ऐसा ऐसा बोल दिया, और वो कुछ ना कुछ आपसे बात कर लेगी, या आपकी माँ बोलेंगी तेरी पत्नी ने मुझे ऐसा बोल दिया, बस आप गलत फहमी करके बैठेंगे। माँ की तरफ से बात करेंगे, पत्नी को लगेगा देखो ये माँ की तरफ से बात कर रहे हैं। माँ कुछ बोल रही है आप पत्नी की तरफ से बात कर रहे हैं, तो माँ को लगेगा देखो ये पत्नी का गुलाम बन गया। तो एक्चुअली जब कुछ होता है तो जो हो रहा है, जो उन्होंने बोला, उसको काफ़ी सारा मीनिंग, काफ़ी सारे मतलब उसमें रहते हैं। तो वो पहले जानना जरूरी है कि उसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, वो सत्य है क्या। बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारे स्ट्रेसेस, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे कम हो सकते हैं। हम इसको बोलते हैं कि हल्के कान का। हल्के कान का मतलब ऐसा है कि भाई जो बोल दिया ना वो मान लेता है, उसको लगता है कि सच है, तो उसको बोलते हैं हल्के कान का। और हल्के कान के जो लोग होते हैं अक्सर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सच्चाई जानते नहीं कि हुआ क्या, व्हाट हैपन्ड, हुआ क्या, ये बहुत महत्व का है। और कुछ लोग जानबूझ के ऐसे गलतफहमियां फैलाने में सहायता करते हैं, या मतलब जानबूझ के इसमें तेल डालेंगे, और तेल डाल के कुछ ना कुछ गलतफहमियां तैयार करेंगे। मतलब आज है ना, वो दिलीप पटेल शराब पी के नहीं आया, ऐसा मुझे कोई आके बोलता है। आज है ना दिलीप पटेल शराब पी के नहीं आया, अब इसका मतलब क्या हो गया, आज दिलीप पटेल शराब पी के नहीं आया, इसका मतलब रोज आता है आज नहीं आया, मतलब वो ये बोलना चाहता है क्या। तो एक्चुअली तो दिलीप पटेल शराब पीता ही नहीं है, फिर बोलने वाला बोलेगा मैंने कहाँ बोला कि रोज़ पीता है, मैं बोला कि आज दिलीप पटेल शराब पी के नहीं आया, ऐसा बोला मैंने, मैंने तो झूठ थोड़ी बोला। मगर ये जो है ना, ये बोलना भी झूठ है, ये अर्ध सत्य है। तो जो भी कोई आपसे बात करता है तो सुन लो वो क्या बोल रहा है, पूरा सुन लो, उसको रिक्रिएट करो, बोलना तुमको यही बोलना है ना, मैं यही समझ रहा हूँ, यही आपका कहना है ना, बोलता हाँ यही मेरा कहना है, अच्छा फिर हुआ क्या एक्चुअली देखो, दूसरी बाजू समझ लो, उसका क्या कहना है एक्चुअली, सत्य क्या है वो देख लो, सत्य और कुछ हो सकता है, और फिर जो आपको एक्शन लेना है वो लो। इससे बहुत सारे टेंशन, स्ट्रेसेस, तनाव, प्रॉब्लम, समस्याएं कम हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।